नहीं, देखिए अब क्या सीबीआई पूछताछ करती है, एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये मामला आईआरसीटीसी घोटाले का नहीं है। ये मामला है नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो श्री ललन सिंह, स्वर्गीय शरद यादव, इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, जो सबूत उपलब्ध कराए थे कि किस तरह से लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवा रहे हैं, उसी मामले में इनकी भी पूछताछ है। क्योंकि एक कंपनी एक इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके ये शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी इनके कब्जे में है, उसके ये मालिक हैं, और उस कंपनी को भी ज़मीन बेची गई, और जिन लोगों ने ज़मीन बेची उसके अंदर उनके परिवार के दो लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, तो उसी संबंधित पूछताछ है। बाकी अब क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी। ये तो नहीं चाहते थे कि कोर्ट के सामने हाजिर हों, लेकिन आखिर में कहते हैं बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, तो इनको कोर्ट के सामने, इनको सीबीआई के सामने कल उपस्थित होना पड़ेगा और उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी को लेकर के विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और विपक्ष की आवाज़ दबाने का सबसे बड़ा नमूना है एक तरह से। बयान देने का मतलब एकजुट होना नहीं होता है, एक खास मुद्दे पर बयान दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी तो परसों ही नवीन पटनायक से मिलकर आई हैं, अखिलेश यादव से चार दिन पहले मिलकर आई हैं। क्या यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस से समझौता करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, कोई क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को जगह देने वाली नहीं है, क्योंकि जगह देंगे तो उनकी जो सियासी ज़मीन है वो खिसक जाएगी। इसलिए बयानबाजी एक अलग बात है, और इसका क्या मतलब इमरजेंसी और बाकी चीज़ों से, वो तो इंदिरा गांधी को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो यहाँ तो कोर्ट का फैसला है, आपको स्वीकार करना चाहिए, तो कोर्ट ने सजा दी है, कोई बीजेपी ने तो सजा दी नहीं है। इसका बीजेपी से और सरकार से क्या संबंध है? एक व्यक्ति ने मुकदमा किया, उस मुकदमे में दोनों पक्षों की बात सुनकर कोर्ट ने फैसला दिया, ये कोर्ट का फैसला, ये कोई बीजेपी का फैसला थोड़ी है। आपने भी मोदी सरनेम को लेकर के तो मैंने, और देखिए ये जो अपमान को नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, ये पिछड़ी जाति का अपमान, ओबीसी का अपमान है। इस देश में लाखों लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, जो मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये राहुल गांधी ने केवल नरेंद्र मोदी को अपमानित नहीं किया है, ये इस देश की लाखों करोड़ों जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका अपमान किया है, और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा पिछड़ा समाज, और अगले चुनाव में इसका बदला लेगी देश का पिछड़ा समाज। कि जो लोग नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते हैं, अपमानित करते हैं, इनको लगता है कि राज करने का हमको जन्मसिद्ध अधिकार है, हम पैदा हुए राज करने के लिए। अरे गरीब का बेटा, ये चाय वाले का बेटा कहाँ से आ गया, दिल्ली में 9 साल से प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो ये इनको पच नहीं रहा है। इसलिए कभी नीच बोल देते हैं, कभी मौत का सौदागर बोल देते हैं, कभी ओबीसी के नाते अपमान कर देते, तो इन सारी बातों का जवाब इनको देना पड़ेगा। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, लौकुश समीकरण दरकता नजर आ रहा है। नहीं देखिए, इसको कोई लौकुश से मतलब नहीं है, बीजेपी को जाति के आधार पर कोई अध्यक्ष नहीं बनाती है, क्योंकि सम्राट चौधरी एक मैच्योर समझदार राजनीति के अंदर एक परिपक्व राजनेता हैं, और उसने बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब उनके बनने के बाद वो जिस जाति से आते हैं उस पर उसका क्या क्या असर पड़ेगा, ये तो बाद की बात, लेकिन बनाने के पीछे ये कोई मकसद नहीं रहता है कि फलानी जाति का व्यक्ति सिर्फ उसको बना दे। हम जाति के आधार पर किसी को कोई पद नहीं देते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।